हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस गैराज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए MG एक्टर 6 सीटर टॉप मॉडल डीजल का रिव्यू लेके आया हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ऐसी कुछ देखने को मिलती है हमें MG एक्टर प्लस टॉप मॉडल की फ्रंट लुक, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। हमें इसमें DOHC 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंटरकूल्ड टाइप इंजन देखने को मिलता है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 1956 cc। 4 सिलेंडर्स के साथ ये पावरफुल इंजन आता है। 1 सिलेंडर पे कंपनी 4 वेल्स प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम पावर 168 bhp, मैक्सिमम टॉर्क 350 Nm ये पावरफुल इंजन जनरेट करता है। यहाँ पर हमें MG टर्बो की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसी कुछ चंकी सी लुक के साथ हमें इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है। ग्रिल पे हमें बड़ा सा MG का लोगो देखने को मिल जाता है, जिसके नीचे फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। ऐसी कुछ हमें इसकी 3D ग्रिल देखने को मिलती है। ऐसे कुछ हमें इसमें फॉलो मी DRLs देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपनी कार को अनलॉक करें तो ये DRLs ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं विद वाइट LED लाइट। यहाँ पे हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। ऐसी कुछ इसकी मस्कुलर साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। लेंथ है गाड़ी की 4720 mm, हाइट है गाड़ी की 1760 mm, विड्थ है गाड़ी की 1835 mm। 2750 mm का हमें इसमें व्हील बेस देखने को मिलता है। 192 mm की हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है। यहाँ पे हमें इसके ORVMs देखने को मिलते हैं विथ फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा देखने को मिलता है ORVM के नीचे। हमें इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। ऐसे कुछ हमें इसमें ब्यूटीफुल से अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं विद MG लोगो। बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की, तो वो है 215/55 R18। डोर क्लैडिंग हमें इसमें क्रोम स्ट्रिप के साथ देखने को मिलती है विद मॉरिस गैराजेस बैजिंग। रियर टायर साइज है 215/55 R18। डिस्क टाइप ब्रेक देखने को मिलते हैं हमें फ्रंट व्हील्स एज वेल एज रियर व्हील्स के लिए। ऐसी कुछ हमें इसकी रियर प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें स्पॉइलर पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद डीफॉगर ग्लास में हमें डीफॉगर लाइंस भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें रियर वाइपर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मॉरिस गैराजेस का काफ़ी बड़ा लोगो देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है। हमें इसमें LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं विद फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमें हेक्टर प्लस की बैजिंग देखने को मिलती है और राइट साइड में इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है विद रिवर्स पार्किंग लाइट एंड फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में तो केवल 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पर हमें स्किड प्लेट पे 2 फेक एग्जॉस्ट होल मिल जाते हैं विद क्रोम सराउंडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दे रहे हैं हमारी कार को। इसका भी एग्जॉस्ट होल एक ही है और नीचे ही है नॉर्मल कार्स की तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको इसकी बूट एक्सेस कराता हूँ। हम इसके टेलगेट को 3 तरीके से खोल सकते हैं।
की फॉब पे दिए गए हुए बूट रिलीज बटन को लॉन्ग प्रेस करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन को प्रेस करके और लैग को स्वाइप करके हम इसके टेलगेट को इजीली खोल सकते हैं। काफ़ी यूजफुल और प्रैक्टिकल फीचर लगा मुझे ये। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये फीचर कैसा लगा। हमें इसमें 140 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि है सफारी से ज़्यादा और अल्कज़ार से कम। हम बूट स्पेस को रियर रो सीट्स को 50-50 स्प्लिट करके बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है हमें सीट्स को फोल्ड करने के बाद। यहाँ पे हमें वाइट कलर के एलईडी के साथ लगेज लैंप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमें एम्पलीफायर और टूल किट मिल जाती है स्पेयर व्हील के लिए। स्पेयर व्हील हमें यहाँ पर नहीं मिलता, स्पेयर व्हील हमें नीचे मिलता है साइलेंसर के पास, जो कि है स्टील रिम विथ सेम टायर साइज 215/55 R18। हम इसके टेलगेट को यहाँ पर दिए गए इस बटन से भी बंद कर सकते हैं और लेग को स्वाइप करके भी बंद कर सकते हैं इजीली, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है ये। ऐसी कुछ माचो लुक्स के साथ इसकी राइट साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे हमें 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि XUV700 से 10 लीटर्स कम है। फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्ट्रट विद स्टेबिलाईजर बार के साथ मिलता है। रियर सस्पेंशन सेमी इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग टॉर्जन बीम के साथ मिलता है। गाइस अब लेकर चलते हैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ। ऐसा कुछ की फॉब देखने को मिलता है हमें इसके साथ। फिलहाल तो इस पे कवर चढ़ा हुआ है। हमें की फॉब पे लॉक अनलॉक और बूट रिलीज बटन मिलते हैं। हमें की फॉब के साथ एक फीचर अप्रोच अनलॉक का भी मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के पास जाएं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाती है और ORVMs भी खुल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। यहाँ पर हमें कीलेस एंट्री स्विच भी मिल जाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं MG Hector के इंटीरियर में। ऐसा कुछ डुअल टोन कलर के साथ हमें इसका काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। हमें इसमें 10 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, पर थोड़ी बहुत लैग प्रॉब्लम है इसमें। एसी को भी हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी हमें इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल फीचर के साथ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इतनी बड़ी और बढ़िया स्क्रीन कोई भी कंपनी नहीं देती इस प्राइस रेंज में। थम्स अप MG को इसके लिए। फोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। हमें इसमें 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलता है। डीजल टॉप मॉडल में हमें ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। गियर नॉब के अराउंड हमें पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें 3 बटन्स मिलते हैं। ये बटन 360 डिग्री कैमरा व्यू लेने के लिए है, जैसा कि आप देखिए काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी लगी मुझे इसकी। इसके बिल्कुल भी पिक्सल्स नहीं फटते, काफी अच्छा फीचर लगता है मुझे ये। यहाँ पर हमें एक और बटन मिलता है, ये बटन है रियर AC वेंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए। काफी यूजफुल फीचर है ये। इस बटन से हम पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तीनों ही बटन काफी यूजफुल लगे मुझे। यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट पे लेदर का यूज कर रखा है, कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है हमें आर्मरेस्ट के अंदर। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग एसेसरी सॉकेट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस लगा मुझे इसके आर्मरेस्ट के अंदर। ऐसा कुछ हमें इसका 3-spoke फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है जो कि काफी स्पोर्टी लगता है। यहाँ पर हमें स्टीरियो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली स्टीरियो के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में होते हैं और क्रूज कंट्रोल राइट साइड में, पर इसका उल्टा हिसाब है। इसमें क्रूज कंट्रोल लेफ्ट साइड में आता है और स्टीरियो कंट्रोल राइट साइड में। कुछ ऐसा हमें इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है। इसमें भी इसका उल्टा हिसाब है, इसमें स्पीडोमीटर लेफ्ट साइड में और टैकोमीटर राइट साइड में। बेसिकली स्पीडोमीटर राइट साइड में होता है और टैकोमीटर लेफ्ट साइड में। दोस्तों कुछ ऐसी MID देखने को मिलती है हमें MG Hector की। MID से हमें ट्रिप एवरेज और बहुत सारी चीजें पता चलती है अपनी गाड़ी के बारे में, जिसे हम इस बटन से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए MID से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा फोन कनेक्ट है या नहीं है, नेविगेशन और मल्टीमीडिया कनेक्शन। यहाँ से हमें ड्राइविंग रेंज पता चलती है कि हमारी गाड़ी में जितना डीजल है उतने डीजल से कितने और किलोमीटर गाड़ी चलेगी। यहाँ से हमें पता चलता है हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये बेसिकली ओडोमीटर है। काफी यूजफुल MID है इसके। हम इसके स्टीयरिंग व्हील को 2 ways में एडजस्ट कर सकते
देखते हैं टेल टेन टेलीस्कोपिक। यहाँ पर हमें कुछ बटन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बटन से हम ORVMs को फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। ये बटन ORVM को एडजस्ट करने के लिए हम काफी इजी वे में ORVMs को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली अपने अकॉर्डिंग। इस बटन से हम हेडलाइट की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन बटन से हम इल्यूमिनेशन लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बटन से हम टेल गेट को खोल सकते हैं। ऐसे कुछ काफी बड़े साइज के हमें इसके एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बंद भी कर सकते हैं। एसी वेंट्स के अराउंड हमें सिल्वर गार्निश देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेफ्टी के नाम पर हमें इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ड्राइवर साइड डोर पैनल पे हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पावर विंडो 1 touchdown एंड 1 touch up फीचर के साथ आती है। जैसा कि आप देखिए, एक बार बटन को प्रेस करने से ग्लास पूरा नीचे चला जाता है और एक बार पुल करने से पूरा ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा कुछ हमें इसका IRVM देखने को मिलता है। IRVM पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता। इस बटन को प्रेस करने से हम पैनोरमिक सनरूफ के कर्टेन्स को खोल सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, इस बटन से हम सनरूफ के कर्टेन्स को बंद भी कर सकते हैं, और सनरूफ को हम खोलना चाहे तो इस बटन को पुल करके हम पूरी सनरूफ को खोल सकते हैं इजीली, जैसा कि आप देख सकते हैं। सनरूफ को हम वॉइस कमांड देके भी खुलवा सकते हैं। इसकी पैनोरमिक सनरूफ मुझे काफी बड़ी और बढ़िया लगी। सनरूफ का रिस्पांस मुझे काफी अच्छा लगा। इस बटन को जब आप प्रेस करके छोड़ देंगे तो रीडिंग लाइट्स चल जाएगी जब गेट खुलेंगे। यहाँ से आप रीडिंग लाइट्स को एक एक करके भी जला सकते हैं। यहाँ पर हमें सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड सनशेड पे हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि LED लाइट के साथ आता है। वैनिटी मिरर के साथ साथ हमें टिकट होल्डर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। को ड्राइवर साइड सनशेड पे भी हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी व्हाइट कलर के LED लाइट के साथ आता है। आगे तो स्पेस और कंफर्ट काफी अच्छा लगा मुझे। अब चलते हैं रियर रो सीट्स पर। ड्राइवर सीट को हम 6 वे में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर लगा मुझे। यहाँ से हम सीट की हाइट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यहाँ से हम बैकरेस्ट को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। को ड्राइवर सीट को हम ओनली 4 वेज में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अब आ चुके हैं मिडल रो सीट्स पे। यहाँ पर भी स्पेस और कंफर्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हैं लेग रूम और हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। बस ये सीट्स वेंटिलेटेड नहीं हैं। यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है हुक के साथ। यहाँ पर हमें वाइट कलर की LED रीडिंग लाइट मिल जाती है। ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलता है हमें बाहर का, जब सनरूफ के कर्टेन्स खुले होते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। हमें इसमें पैनोरमिक सनरूफ मिलती है। यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल हुक के साथ देखने को मिलता है और वाइट कलर की LED रीडिंग लाइट। यहाँ पर हमें इन्फिनिटी के ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है डोर हैंडल्स के पास, और यहाँ पर हमें पावर विंडो स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट के नीचे AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जिसे आप फोन को चार्जिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं। मिडल रो सीट्स पे स्पेस और कंफर्ट काफी अच्छा लगा मुझे। बस ये सीट्स वेंटिलेटेड नहीं हैं। अब चलते हैं रियर रो सीट्स पे। अब हम आ चुके हैं रियर रो सीट्स पे। यहाँ से हमें कुछ ऐसा कैबिन लुक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। हमें इन सीट्स पे स्पेस और कंफर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग रूम तो थोड़ा बहुत फेयर भी है, पर बिल्कुल भी नहीं है अंडर थाई सपोर्ट, क्योंकि ये सीट्स थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे है। हेड रूम भी थोड़ा बहुत है। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दे रखा है। यहाँ पे AC वेंट्स दे रखे हैं कन्वीनियंस के लिए, और इनकी स्पीड को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कप होल्डर दे रखा है। यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों चलिए अब आपको मिलवाता हूँ इस गाड़ी के ओनर से। आ जाओ भाई। हेलो भाई। हेलो भैया, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। धन्यवाद भाई आपका चैनल पे आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। जी भाई।
भाई आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी हमने ली थी 19 जुलाई 2021 में। जी भाई, भाई कितने की पड़ गई थी आपको उस टाइम? ये गाड़ी पड़ी थी लगभग 23.5 लाख की। जी भाई, भाई डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको क्या लगी इसकी? भाई इस गाड़ी की डिसएडवांटेज ये है कि इसकी बूट स्पेस बिल्कुल ही कम है अगर 6 बंदे बैठे तो, और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसकी माइलेज काफ़ी कम है, 6-7 की नॉर्मल सिटी में देती है और हाईवे पे 13-14 की, बस उससे ज़्यादा नहीं। माइलेज भी आपको कम लगी इसकी? हाँ। मतलब भाई सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर्विस एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, अभी तो फिलहाल फ्री में चल रही है तो इतनी बैठती नहीं है, बट जब भी होगी तो 11-12 की नॉर्मल पड़ेगी सर्विस। जी भाई, भाई आपके मन में कोई और गाड़ी आई थी जब आप इसको इसकी तरफ जा रहे थे? इसके कंपैरिजन की गाड़ी एक थी टाटा सफारी। जी भाई, तो उसकी लुक पीछे से अच्छी नहीं थी इसलिए वो ली नहीं, वरना वो ही लेने का ऑप्शन था। भाई मतलब जैसे आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक लगती है? हाँ वो तो लगभग अभी ठीक है, सिटी में चला रहे तो इतने गड्ढे है नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा जब बाहर जाएंगे तो। जी भाई, भाई हमारे व्यूअर्स को बताएं, एक सवाल है मेरा आपसे। भाई जब MG नई आई थी, लॉन्च हुई थी, तो भाई मैंने ना एक आधी न्यूज़ वगैरह देखी थी कि इसकी 4000 पे क्लच प्लेट फूक जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं, ये गाड़ी अब अभी तक लगभग 6000 चल चुकी है। जी भाई, और क्लच वगैरह सब ओके है। जी भाई, अब और आगे का पता नहीं अब क्या हो, बट फिलहाल तो सही चल रही है। आप प्रेफर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कोई अगर इस गाड़ी की तरफ जाना चाहे तो? हाँ, अगर किसी को फुली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चाहिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। मैंने तो जबकि ये ले ही लिया है, सो मैं औरों को भी जो उनकी पसंद होगी वही सजेस्ट करूँगा, बट इलेक्ट्रॉनिक लेनी हो तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। जी भाई, धन्यवाद भाई आपका चैनल पे आने के लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ था मॉरिस गैराजेस हेक्टर प्लस 6 सीटर टॉप मॉडल का डिटेल रिव्यू। आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप भी ये गाड़ी ले सकते हैं अगर आप कोई फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्मॉल यूट्यूबर्स को आगे बढ़ने का एक मौका दें। धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।